तो 10 सेंटीमीटर बड़ा कम सोचे थे। ये देखिए 10 से ज्यादा है सर। कौन आइए सर, सर इस पीछे जाओ सर, एक बार हाइट देख लीजिए, वो बॉक्स नीचे गया। अंदर में एक ऑप्शन है वैक्यूम, सबसे टॉप पे ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन बटन प्रेस करो और 10 to 15 मिनट्स होता फिल होता पूरा, एक ही बार एक्चुअल अप टू 22 kg लोड कर सकते हैं। एक बॉक्स में 14 kg है और दूसरे बॉक्स में 1 kg फिल करके बाकी पूरा एक कवर डाल के रखो, मॉइस्चर नहीं जाना पड़ेगा। अभी 1 kg डाल दिया, अभी 4-4.5 kg है इसमें। ये इधर जाने के बाद फर्स्ट ऑप्शन करने के बाद ये एक बार प्रेस करे तो ऑन होता, ठीक है, स्क्रॉल है तो नीचे आता आपको ऑप्शन, सब कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सेलेक्ट करना शुरू। हाँ, इसके लिए अभी आपको नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए तो एक्सटर्नल ऑप्शन स्क्रॉल करके ये सेंटर का बटन प्रेस करना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन है तो गो ऑनलाइन, ये डिफॉल्ट ऑप्शन है, डिफॉल्ट मेन्यू है, सो अभी रेडी है तो ऑनलाइन आता है, और कुछ एरर है तो आपको एरर मैसेज मिलेगा इसमें, और कुछ क्या एरर है तो आप बोलना पड़ेगा तो फ़ोन करके बोल सकते हैं, और कुछ सोल्यूशन फ़ोन में दे सकते हो तो अगर कोई एरर आती है तो सॉल्यूशन ये फोन पर दे सकते हैं, जिसका मतलब हमें नहीं समझ रहे। इट इज अ यूजर रिकवरेबल एरर, इफ यू आर गोइंग टू से टू मी देन वी कैन एबल टू गाइड यू हाउ टू इफ यू कैन कॉल ऑन व्हाटएवर एरर इज देयर, एरर कोड विल कम, इफ यू टेल दैट एरर कोड वी कैन ट्राई टू सॉर्ट इट आउट थ्रू फोन इटसेल्फ, एल्स वी विल बी कमिंग, एल्स विल बी देयर, वी कैन सॉर्ट इट आउट थ्रू फोन इट मे बी इजी, नंबर रहता है ये नंबर में एरर कोड की No, no, it will be with us. Actually, that is a service manual. We'll be having that manual. Because a lot of things are there. So, something is okay? Okay. Chalo, next software. Software. Once you are familiar, then you will come to know what error code was. There is an option known as a 3D print in the desktop. This is a software. ये software use करना पड़ेगा अभी. So पहले select करो. इसमें और कुछ setting कुछ भी नहीं है. Whatever the file is there, select, place it and print it. और कुछ और changes और कुछ editor तो इसमें नहीं होता. ये just print submission tool. ठीक है ना? So अभी print select करना पड़ेगा. Okay? पहले एक बिना इधर है. देख सकते हैं आप पूरा, पहले एक्चुअली सब कुछ आप हाउ टू गेट अ क्लियर प्रिंट यू माइट सीन हाउ टू प्लेस दैट ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो पहले एक्चुअली ऐसा ही तो आपको ज्यादा मटेरियल वेस्ट होता नीचे, ठीक है, इसलिए ये रोटेट करना पड़ेगा, ऐसा आया तो आपको ऊपर है ओपन स्पेस आएगा सो फिलिंग नहीं होता, ठीक है, सपोर्ट नहीं चाहिए, सो अभी रोटेट ये ऑप्शन सेलेक्ट करके रोटेट ऑप्शन है, और एक बार 90 डिग्री अभी ऐसा प्लेस हुआ सो आपको वेस्टेज कम होता, इसमें इधर से लेयर स्टार्टिंग बेड इधर से और 3 mm to 4 mm एम्प्टी लेयर फिल करता, बाद में प्रिंट स्टार्ट होता, सो वेस्टेज कम होता, और ये सेम प्रिंट और 3 or 4 कॉपी चाहिए तो ये क्लिक करके
राइट क्लिक कॉपी बाजू में पेस्ट और चाहिए तो पेस्ट और चाहिए तो पेस्ट नहीं वही हम कह रहे थे अभी इसके ऊपर भी यानी पेस्ट हो सकता है नो ये हो गया नहीं सर लेयर तो कंपलसरी एक ही एक बिट में एक ही आता है हां तो लेकिन इसके ऊपर भी जेड में जगह तो बच गई है इसलिए अभी और कुछ प्रिंट आप ऊपर डालें तो लेयर एक्चुअली इसमें डालना पड़ेगा फिल करना पड़ेगा सो मिनिमम 10 एमएम गैप और फर्स्ट यू प्लेस दिस नो 10 एमएम यू वांट टू प्लेस अ लेयर अबव दैट यू कैन पुट सम अदर थिंग That also will be wasted. So in spite of that, only you give this print only directly. ठीक है? ऐसा कितना कॉपी चाहिए तो? इतना कॉपी तो चाहिए. Same time, same time. ठीक है? अभी प्लेस करा और देखने के लिए और व्यू जाके और कैसा ये प्रिंट और कुछ मर्ज हो गया और नहीं है तो इधर देख सकते व्यू में टॉप ये तो ऐसा ही अभी पोजीशन पेज से तो प्रिंटर से ऊपर ऐसा देखा तो ऐसा प्लेस होता प्रिंट पूरा सर इसमें दो अलग अलग चीज दे सकते हैं गणेश जी दे दिया और दूसरा शंकर कर सकते कोई भी है सर क्या प्रिंट कर सकते अलग अलग नहीं सर अलग अलग स्ट्रक्चर है ना सर नहीं है सर पूरा सब कुछ स्टील फाइल में स्टील में कलर नहीं आता सर स्टील कंपलसरी ब्लैक एंड व्हाइट है WRL फाइल है तो आपको कलर में आता ये भी नोट करो भाई WRL क्या वो वही निकाल रहे हैं जेड नहीं है उसमें जेड नहीं है एसटीएल में कलर तो आ गया था नंबर आरएल है नहीं ट्रॉली नहीं चाहिए ये क्या नोट ये ट्रक है ट्रक है उल्टी ट्रक अच्छा उल्टी ट्रक है रोटेट करना पड़ेगा मैं वो ये देख रहा हूं तो स्केल एक ऑप्शन है स्केल भी कर सकते हैं आप इसमें ये टोटल बिट का साइज है इसमें 5 एमएम कम आता है आपको चार साइड में इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5 और एक भी चाहिए और एक बस देखा ना अभी और कुछ सेकेंड पार्ट भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा तो डायरेक्ट आप इधर जाके इम्पोर्ट नेक्स्ट ऑब्जेक्ट नेक्स्ट फाइल भी डायरेक्ट इधर से यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बाद में ए सेटिंग और कुछ इसका टोटल मटेरियल कंसेप्शन इधर देख सकते हैं आप लॉग जो टूल से बिल्ड टाइम एंड एस्टिमेटर एक ऑप्शन आता है आपको कितना लॉग कितना कितना टाइम लगा ठीक है दिखाएगा हां इसमें एक पूरा लगेगा कितना टाइम और कितना मटेरियल लगेगा कितना बता रहा है टोटल टाइम 1 आवर एंड 25 मिनट्स टोटल इंक कंसप्शन 22.7 एमएल का बाइंडर यूज होता है 22.7 एमएल बाइंडर एंड टोटल बिल्ड टाइम एंड इंक कंसप्शन है मटेरियल कंसप्शन कौन सा इंक कितना एमएल यूज होगा तो येलो का 0.765 मैजेंटा का 0.765 और कलर है इसका कलर नहीं है बट इवन दो व्हाइट पेन दिया तो मिक्सिंग ऑफ चार कलर्स विल गिव अ व्हाइट कलर तो कलर लेगा ऑटोमेटिक हां सर दैट इज व्हाट द इंकजेट ई प्रिंटर कलर प्रिंटर इट गिव्स मिक्स ऑफ कलर इवन इफ यू वांट ब्लैक इट मिक्स ऑफ सम कलर्स विल गिव्स ब्लैक सेम लाइक दैट इफ यू वांट व्हाइट आल्सो इट विल नॉट गिव डायरेक्ट प्लेन Without printing, it will not leave. It's a white powder only, a white paper only. It doesn't leave. It gives a mixture of some paint. Every time it will consume. Yes. तो वो हटा ले हम लोग क्यों फालतू इंक्रेस करेंगे?
we can remove ink from there. No, 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 we cannot do it. पूरा इसमें आएगा और कुछ इन फ्यूचर आपको चाहिए भी डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं मॉनिटर कर सकते कंसेप्शन और साइज है सर स्केल में स्केल इधर देख सकते हो सर X का 49 mm Y का 42 mm Z का 33 mm छोटा कर दीजिए जल्दी हो जाएगा 25 कर दो और कितना कर 25 करूंगा ठीक है ये ओनली जस्ट डेमो ना अगेन स्केल 25 21 16 है अभी ठीक है ना अभी टाइम 43 minutes छोड़ दो ओके दिया ना।